कोई रबर तो कोई पेंसिल होता है, कोई टॉम तो कोई जेरी होता है, जो हमारी मायूसी को हंसी में बदल दे वो कोई और नहीं हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है। नमस्कार, मेरा नाम है काजल शर्मा और आज की मेरी स्टोरी का टाइटल है कि हाँ वो मेरी दोस्त है। बचपन में जब कभी दादी या नानी से दोस्ती के किस्से सुना करती थी तो नानी और दादी अक्सर मुझे कृष्ण और सुदामा की कहानियां सुना दिया करती थी। तब से लेके मन में एक ही सवाल उठता था कि क्या कोई मेरी भी दोस्त बनेगी, जो मेरे गिरने पे मुझे उठाएगी, मेरे रूठने पे मुझे मनाएगी, जिसे हम लोग बेस्ट फ्रेंड का नाम कहते हैं, क्या मेरी भी कोई बेस्ट फ्रेंड बनेगी। फातिमा अजहर उफ फैटी, मेरी बेस्ट फ्रेंड। मुझे आज भी याद है वो दिन कि क्लास की भीड़ में वो अकेले गुमसुम से बैठी एक लड़की, कोई उससे बात नहीं किया करता था क्योंकि मजहब ने लोगों को दो हिस्सों में बांट दिया था, एक को हिंदू तो कुछ को मुस्लिम बना दिया गया था। पर दोस्ती के रिश्ते अक्सर नफरत के समुन्दर में बहा नहीं करते, वो अपने सब प्यार से एक पुल बना लिया करते। और ऐसा ही एक पुल फैटी और मैंने भी बनाया था, जिसे हमने दोस्ती से उस पुल के धागों को पिरोया था और प्यार से उस पुल की नींव रखी थी। जहाँ मैं गिरूं तो फैटी मुझे संभाल लेती और वो गिरती तो मैं उसे संभाल लेती। मुझे आज भी याद है वो दिन, क्लास को बंक करना, टीचर्स को तंग करना, रामू अंकल के वो गोल गप्पे और श्यामू अंकल की वो आइसक्रीम, अब फैटी को हंसाना मेरी सबसे प्यारी आदत बन गई थी और उसका हंस जाना मेरी आदत का कबूल हो जाना। पर लोग अक्सर हमारी दोस्ती को गलत बोला करते थे, एक को मंदिर तो एक को मस्जिद में तोला करते थे। अरे मैं पूछती हूँ, आखिर क्या कमी थी हम दोनों की दोस्ती में? सिर्फ शब्दों का दायरा ही तो बढ़ गया था। अरे खुदा ने हम दोनों को तो एक ही मिट्टी से बनाया होगा, फिर खून हो या दिल, आखिर लाल रंग से ही सजाया होगा। पर इसी लाल रंग में रंग गई थी हमारी दोस्ती। अब कब मेरी मम्मी उसकी अम्मी बन गई थी और कब उसकी अम्मी मेरी मम्मी, पता ही नहीं चला। कब मेरे दाल चावल उसकी मुस्कान को हंसी में बदल देते थे और कब उसकी बिरयानी मेरे पेट में कूद रहे चूहों को शांत कर दिया करती थी। जानती हूँ तो बस इतना कि मेरे रूठ जाने पे वो मंदिर में जाके हाथ जोड़ लिया करती थी और उसके मायूस होने पे मैं दरगाह पे सर झुका लिया करती थी। पर खैर, नफरत के इन सारी चारदीवारी में मेरी और फैटी की दोस्ती बिल्कुल उस कैंडल की पतंग की तरह थी, जो जितनी आग मिलती उतनी ऊंचाइयों को छूती। पर हाँ, कई बार उन आग की लपेटों ने हम दोनों को भी जकड़े, उस आग की लपेटों के दर्द हम दोनों को भी पकड़े। लेकिन 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 नफरत से बड़ा प्यार का रिश्ता होता है, जो मेरा उसके साथ कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। अंत में बस एक ही लाइन बोलना चाहूंगी कि हम सब ने वो लाइन सुनी है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। जितनी पवित्रता इस लाइन के शब्दों में है, इस लाइन को अपनाने के लिए हमें खुद भी पवित्र होना पड़ेगा, तन से भी और मन से भी। थैंक यू।